हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 वेक्टर्स की एग्जांपल्स को हम शुरू करते हैं आज। सबसे पहली एग्जांपल है द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू पॉइंट्स ए 2, 3, 4 एंड बी 5, 6, 7 फ्रॉम एन ओरिजिन इन किलोमीटर। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स बना लेने हैं। जो ए 2, 3, 4 है कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में, इनको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और बी वाले को भी, और फिर आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर लेना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर हमने पहले एक एरोप्लेन की पोजीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है ओ ए के वेक्टर से, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4। फिर बी एरोप्लेन के लिए यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7 ओ बी, और इस फर्स्ट को कह देते हैं R1 और सेकंड को बोल देते हैं R2। और यहाँ पर हमारे पास जो ए से बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है वो भी फाइंड करना है। तो यहाँ से हमने इसके एरो से एक लाइन ड्रा की और जिसका एरो बी के एरो से मीट कर रहा है। तो ये जो है इनके दरमियान जो फासला है इसको लेट्स सपोज कि आप आर कह देते हैं। अब ओ के जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, 0, 0 पॉइंट्स हैं। तो अब ओ ए कैसे फाइंड करेंगे? ओ ए के लिए 2, 3, 4 माइनस 0, 0, 0, तो 0, 2 माइनस 0 भी 2, 3 माइनस 0, 3, 4 माइनस 0, 4। तो आंसर जो है वो 2, 3, 4 ही आएगा। इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट इस फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई हैट है। सेकंड इस फॉर वाई एक्सिस, तो उधर जो यूनिट वेक्टर है वो जे हैट है। और थर्ड जो है वो Z एक्सिस के लिए होता है, तो उसके लिए K हैट साथ आ जाएगा। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना इंतहाई जरूरी है। उसके बाद ये देखें, सेकंड एरोप्लेन के लिए पोजीशन वेक्टर लिखते हैं B के लिए O B। B के लिए है 5, 6, 7 माइनस, देखें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इस तरह से होता है ना, 0, 0, 0। 5 माइनस 0, 5, 6 माइनस 0, 6, 7 माइनस 0, 7। तो ये आंसर बनेगा 5, 6, 7। ठीक है, तो R2 हमारे पास आ गया है। R2 लिखेंगे अब इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 5i + 6j + 7k। ये एक्स एक्सिस के लिए, फिर वाई एक्सिस के लिए j हैट और z एक्सिस के लिए k हैट। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके दरमियान जो ये आर वेक्टर है फासला वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल कैसे लगेगा? ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है R1 और ये ऐड हो रहा है, ये देखिए सेकंड वेक्टर की टेल है प्लस R, और रिजल्टेंट में ये हेड के साथ हेड है और टेल के साथ टेल है R2। अब R को यहाँ से आप अलग, तो अब हमने R को अलग कर लिया, R2 माइनस R1 हो गया। R2 जो वेक्टर है वो है 5i + 6j + 7k माइनस R1 2i + 3j + 4k। I वालों को इकट्ठा कर लिया, J वालों को इकट्ठा, K वालों को इकट्ठा, उनको कॉमन ले लिया I J K को, 5 माइनस 2 3i, 6 माइनस 3 3j, 7 माइनस 4 k 3 k। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास अब आ गया है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, लेकिन हमें तो फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर टर्म, तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका मतलब है। तो जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाना है, और पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का फार्मूला है R = √a² + b² + c². तो यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर √3² फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, सेकंड भी 3 है, थर्ड भी 3 है, तो 3² 9, 3² 9, 3² 9। सही है, 9 + 9 + 9 का आंसर 27 है, और √27 5.2 किलोमीटर हो गया। तो ये किलोमीटर में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि किलोमीटर की किलोमीटर का यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी एग्जांपल।
वन। अब चलते हैं एग्जाम्पल टू पे। एग्जाम्पल टू को रीड करते हैं। टू फोर्सेज ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शंस मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि दो फोर्सेज दी हुई हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। वो एक बॉडी पर ही एक्ट कर रही हैं, एक बॉडी पर दो फोर्सेज लग रही हैं। एक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री का बना रही है और दूसरी 60 का बना रही है। आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखें यहां पर सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ये इधर हो गया वाई एक्सिस। अब जो फर्स्ट फोर्स है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा। फिर एफ वन इसका नाम है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो सेकेंड है वो थोड़ा ज्यादा एंगल बना रही है, उसको F2 कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, F2 है, सही है। अब आप यहाँ पर F1 को और F2 को उनके रिलेटिव कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर लें। तो F1 को कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये इधर से एक प्रोजेक्शन ड्रा करें, इधर ये बनेगा F1x और ये वाला बन जाएगा F1y, सही है। F1x इसके बराबर है, एफ वन एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो कॉस थीटा आएगा, एफ वन कॉस थीटा के। एफ वन एंगल कौन सा बना रहा है, 30 डिग्री का। तो एफ वन खुद 10 गिवन है, 10 न्यूटन, और एंगल 30 का बना रहा है कॉस 30। कॉस 30 पे कितना होता है, 0.866। उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 8.66 न्यूटन। डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपका कीमती वक्त जाया ना हो, सही है। फिर हम बात करते हैं F2x की। F2x कैसे निकालेंगे, यहां से आप एक प्रोजेक्शन ड्रा करें इसके ऊपर। तो ये जो है इसी साइड पे बनेगा, तो यहां पर ही यानी कि इधर ही क्या होगा, F2x भी होगा। और ये जो लाइन है ये F2y को इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर ये आ जाएगा F2 cos थीटा, और यहाँ पर थीटा वन बोल लें इसको और इसको थीटा टू बोल लें क्योंकि डिफरेंट है। एफ टू कितना है, 20, और कॉस थीटा टू ये है कॉस 60। और इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, इसका आंसर आएगा 10 न्यूटन, सही है एफ टू एक्स। अब वाई कंपोनेंट्स फाइंड करें, एफ वन वाई, एफ वन वाई, एफ वन साइन ऑफ थीटा वन। एफ वन कितना है, 10, और साइन थीटा वन साइन ऑफ 30 डिग्री, सही है। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 पे 1/2 है तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं या चलिए कर लें 5 न्यूटन। और एफ टू वाई, एफ टू वाई, एफ टू साइन थीटा टू। एफ टू कितना है हमारे पास, 20, और साइन थीटा की बजाय साइन 60। तो साइन 60 पे 0.866 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिख रही हूँ 17.32 न्यूटन, सही हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट के लिए हम एक्स कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं और वाई को आपस में ऐड करते हैं। तो ये देखें कि x कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया है तो मुझे मिला f1x plus f2x 8.66 plus 10 is equal to 18.66 न्यूटन। y कंपोनेंट्स को ऐड किया है f1y plus f2y 5 plus 17.32 is equal to 22.32 न्यूटन। अब जब आपने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर, 18.66 स्क्वायर प्लस 22.32 का स्क्वायर। तो आंसर ये आ जाएगा 29 न्यूटन। अब ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। व्हेन यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, तो उस टाइम पर हम चलिए इसको रेस कर देते हैं और लगाएंगे एंगल थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा
जो है उसमें से थीटा अलग किया जाए तो डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। सही है, एफ वाई जो है वो क्या है, एफ वाई है 17.32, एफ एक्स है 18.66। तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख लेते हैं, इसका आंसर आता है 50 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, और वो जो है वो स्केलर फॉर्म में, यानी कि मैग्नीट्यूड आया है रिजल्टेंट फोर्स का, और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 3 पे। वो है फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीस फोर्सेस। यानी कि आपने दो फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, और इन दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड हो वो बराबर हो, और जो रिजल्टेंट आप फाइंड करें उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो भी जो गिवन फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के ही बराबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें ये कहा गया है कि जो गिवन फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, यानी कि एफ वन का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ टू के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो यानी कि एक का 5 है तो दूसरे को भी 5 है, तो इसको हम एफ लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं मॉडल लगा के, और सिंपल भी लिखते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है, इनमें से किसी एक के बराबर है। तो इन दोनों का जब आपस में इक्वल है तो मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के इक्वल है, तो उसको भी हम क्या देते हैं कि वो एफ के इक्वल है। तो इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, यानी कि ये आपके पास ऐसे है ना, एक फोर्स एफ वन और दूसरी फोर्स जो है वो एफ टू इस तरह से है अगर, तो इनके दरमियान यू हैव टू फाइंड द एंगल। सही है, तो x कंपोनेंट पहले f1 का x कंपोनेंट ले लेते हैं, फिर f2 का x कंपोनेंट, फिर f1 का y कंपोनेंट और f2 का y कंपोनेंट, और उसके बाद उनको मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएंगे तो रिजल्टेंट आएगा। सही है, तो f1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें और f2 को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। जब f1 को करेंगे तो ये जो है f1 इस तरह से है, F2 को करेंगे तो इस तरह से प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे इसके ऊपर, और F1 का जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F1x is equal to F1 cos theta। अब आप देखेंगे F1 किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग ही है ना, तो इसका x एक्सिस के अलोंग जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, उसकी पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा। और इसको हम लिख सकते हैं F1 cos of 0 डिग्री, cos 0 पे 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगी F1 के, और F1 के बराबर लिखें या F के लिखें एक ही बात है, हम ऊपर ये बात कर चुके हैं। सही है, अब हम F2x फाइंड कर लेते हैं। F2x जो है वो तो x एक्सिस के अलोंग नहीं है ना, तो वो क्या आएगा, F2 cos theta आएगा, और इसका कोई और एंगल थीटा बन रहा है इंस्टेड ऑफ 0, और F2 की बजाय हम F लिखेंगे, F cos of theta। तो ये हो गए x components। अब हम बात करते हैं y components की। जब हम y components की बात करते हैं तो पहला होगा F1y, F1y is equal to F1 sin of theta। ठीक है, F1 and sin of theta, F1 is along the x axis, it is not along the y axis, तो vertical component जो है ये इसका 0 होगा, तो इसलिए आप इसको लिखोगे इस पूरे को, यानी कि F1 जो है वो y axis के along नहीं है, तो इसलिए उसको हम 0 दिख देंगे F1y को, और F2y को हम लिखेंगे F2 sin of theta। सही है, या आप लिख सकते हैं F sin of theta। समझ आ गई होगी आपको। अब हम रिजल्टेंट्स फाइंड करते हैं, x कंपोनेंट्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, f1x होगा f और f2x होगा f cos of theta। ठीक है, और रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट्स के लिए आएगा
आर वाई इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। एफ वन वाई क्या है, जीरो है, और एफ टू वाई है एफ साइन थीटा, तो ये बराबर है यानी के एफ साइन थीटा के। रिजल्टेंट फाइंड करना है, फार्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। फोर्सेस का रिजल्टेंट है, आर को सिंपल एफ से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आर एक्स और आर वाई के जो यहाँ पे आंसर आए हैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पर एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ आर एक्स जो है वो एफ प्लस एफ कॉस थीटा है, प्लस आर वाई क्या है एफ साइन थीटा का स्क्वेयर हो जाएगा, सही है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर का, एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस एफ स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा लिख लें, और ये टू ए बी भी था इसका, तो चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, बाद में लिख देते हैं, टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा, ए जो है वो एफ है और बी एफ कॉस थीटा है, सही है। इन दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दो में से एफ स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा, सही है। नाउ कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन है, एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा। नाउ टू एफ स्क्वेयर एफ प्लस एफ स्क्वेयर टू एफ स्क्वेयर टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा, ये एफ इसके बराबर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेना है, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, इधर आएगा एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा। अब ये वाली टर्म इधर ले आए तो एफ स्क्वेयर माइनस टू एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एफ स्क्वेयर कॉस थीटा। हैं कि एफ स्क्वायर में से टू एफ स्क्वायर माइनस हुआ तो माइनस एफ स्क्वायर रहा इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर कॉस थीटा, टू एफ स्क्वायर दूसरी साइड पे गया, एफ स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू जो कि 120 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि एफ वन और एफ टू के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री है व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही हो जो एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड हो, तो वो तब होगा जब उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा, तो ठीक है।